तो नमस्कार, मैं प्रमाद मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। जैसा मैंने बताया था कि बेड पर मल्चिंग मशीन बन रही है, पहले एक वीडियो डाला था, तो ये देखिए कंप्लीट है, पूरा खेत चढ़ गया। तो मुझे याद आया कि वीडियो बना के डाल दूँ ये, तो आप पीछे ऐसे दिखा दो घूम के, बिल्कुल एकदम कम्प्लीट है। और ये केवल दो बेड बचे हैं, तो जो बेड मैंने थोड़ा, मेरे यहाँ मिट्टी हार्ड है, तो हार्ड मिट्टी की वजह से मशीन में काफ़ी सारे बदलाव हैं। मेरा लगा इसकी जगह जो पड़ुआ होता तो अच्छा होता। और ये बेड देखिए, मैंने पूरा 18 इंच का बेड है, ये इस तरह से 9 × 18। मैंने बेड की हाइट काफ़ी ज़्यादा कर रखी है, क्यों ज़रूरी है ये फिर कभी बता दूंगा मैं। फिलहाल ये मशीन है, मशीन को देख लीजिए आप, ये पहिए हैं, इससे रोल दब जाएगा, ये इस तरह से निकलेगा, तो कैसे रोल वोल डालते हैं, चलिए सब आपको दिखा देता हूँ। बहुत आसान है, बहुत एकदम सरल है, और हाथ की बनाई मशीन है। आज बाबा भी मेरे पास है, तो मैं बाबा का नंबर नंबर वगैरह आपको सब कुछ अभी दे दूंगा कि का कैसे करना है, कितने की मशीन पड़ेगी, तो आप सब बाबा से पूछ लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कैसे क्या चल रहा है। तो ये बस बहुत सरल होता है, इस रोल को इस तरह से बिठाएं, और ये देखिए सब जुगाड़ ही जुगाड़ है, ये ड्रम के कटे हुए प्लास्टिक के हुए हैं, कोई फैंसी काम तो है नहीं है, अपने हाथ से बनाया और सीधे सीधे चल रहा है सब, और कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ी आसानी से होता है। और ये समझिए कि ये पूरा आप इसमें कम से कम 15-20 बीघा की ज़मीन भी हो अगर आपकी, तो आप आसानी से चढ़ा सकते हैं, मतलब ये कंप्लीट बेड होता जाएगा इससे। ये प्रेसर है, ये यहाँ लगा हुआ है, तो ये बेड को प्रेस करता जाएगा, बेड बिल्कुल एकदम प्लेन होता चला जाएगा। मशीन जुगाड़ हुआ, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये पुराना कल्टीवेटर था मेरा, इतना हिस्सा पहले बना हुआ था पूरा, और बाद में ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये तार वारी वाले एंगल मेरे यहाँ पड़े थे 8-10 साल पुराने पिछले, तो मैंने उन्हीं से बनवाया। तो बनवाते मेरा तो लगभग 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा आया इसमें, और चूंकि आधे से ज़्यादा मटेरियल मेरा था और जो टोटल एंगल है, तो एक हिसाब से इस मशीन को चलाने के बाद, जैसे ये हार्ड मिट्टी है, कावर की सॉइल है, बहुत कड़ी है, नीचे फार लगाने पड़े ताकि मट्टी है ज़रूरत से ज़्यादा चढ़े, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में हवा तेज चलती है तो उड़ाई उड़ाई होती है, तो उसके लिए बेख हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये हल्का सा कमज़ोर है, तो इसके लिए 2 इंची एंगल की ज़रूरत है, थोड़ा मोटा हो तो एकदम मजबूत बन जाएगी, फिर आप कावर में पड़ूगा में जैसे चलाएं बहुत आसानी से चला सकते हैं। ये ट्रैक्टर है 50-60 HP का है, 50 HP का है, और ये 14 वाले टायर लगे हुए हैं इसमें, 14-6, 28 काफ़ी चौड़े टायर हैं, तो ये टायरों का कोई इशू नहीं है, छोटा ट्रैक्टर भी इसको चलाएगा और बड़ा ट्रैक्टर भी चलाएगा। मैंने इसमें पहले से बेड बनाया, चूँकि मुझे बेड की हाइट कुछ ज़्यादा ऊंची चाहिए थी, तो पहले से बनाया, बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको 8 इंच से लेके अगर 1 फिट तक का बेड चाहिए ऊंचाई में, तो ये एक ही बार में बनाती चली जाएगी, बेड बनाती चली जाएगी और मल्चिंग चढ़ाती चली जाएगी। पर मुझे 1.5 फिट का बेड चाहिए था, बहुत ऊंचा बेड चाहिए था 1.5 फिट का, तो इसलिए मैंने इसको एक बार बेड बनाया और दोबारा से मशीन चला दी, तो ये इस तरह से ये कम्प्लीट हो रहा है, और हाइट क्लियर है, बहुत अच्छी है, और देखिए मल्चिंग एकदम फ्रेश चढ़ाता है, कहीं कोई गुड़ी वुड़ी नहीं रहती है, क्योंकि मिट्टी हार्ड है इसलिए ये फाड़ सकती है मल्चिंग, तो इसको थोड़ा हल्का सा ढीले रखा है। इसमें भी ये सारा बंदोबस्त है कि कैसे ढीली टाइट कैसे चलानी है आपको। तो चलिए मैं बाबा से बात करता हूँ और आपको ये मटेरियल बतवा देता हूँ, कितने का मल्चिंग पड़े कैसे का होगा, तो आप इसको समझ लीजिएगा। और देखिए बहुत आसान है, ये एक नीचे पाइप लगा दिया ऐसे, तो ये ऐसे चलेगा, ये इसको ऐसे खींचा खाँची किया, बस इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, पहिया उठाया बस इसको रख दिया ऐसे, और बस ये आसानी से चलती है, मल्चिंग ख़त्म होने के बाद जोड़ वोड़ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब बस ट्रैक्टर चलेगा और जो चलाता चला जाएगा। चला दो भैया, थोड़ा सा दिख जाए चलाते हुए, इसमें ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, 2 लोग आसपास बने रहें, 1 आदमी भी होगा तो भी चलेगा, मतलब
थोड़ा काम लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से चल रही है धंधे तरीके से। आप चाहे स्पीड में चढ़ाओ, तेज चढ़ाओ, मर्जी चढ़ाओ, तो धंधे तरह से चलती है कंप्लीट है। मलचिंग चढ़ी और कैसे बनेगी क्या बनेगी अगर इसकी डिटेल चाहिए आपको तो बाबा से बात करते हैं। बाबा अगर किसी को ये मशीन बनवानी है तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे क्या चाहिए, कितना क्या चाहिए? उसके लिए एंगल चाहिए, हाँ, 2 इंची डिब्बी बनेगी, मतलब 2 इंची एंगल की डिब्बी, मतलब ये एंगल पतला है थोड़ा, नहीं थोड़ा पतला है, मोटा चाहिए, ये यही वाला चाहिए, टेलर वाला, हाँ टेलर वाला। अच्छा, जैसे किसी कबाड़े अबाड़े में पुराना टेलर मिल जाए तो वो भी चल जाएगा, पुराना टेलर चल जाएगा, जैसे उसकी टांग भी खाली ये मिल जाए तो उसके बाद अतिरिक्त कितना एंगल लगेगा? इसके बाद 22 फीट के समथिंग दोनों तरफ डिब्बी बना के लगानी पड़ेगी, 22 फीट के लगभग, मतलब नया एंगल या पुराना भी हो तो भी चल जाएगा कबाड़े वाले का, मतलब एक ये वाली लगेगी, एक ये चलेगी और ये दो चाहिए, ये दो चाहिए और प्लस दो टायर है, दो पहिए, बस इतने में काम चल जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगी मशीन। तो ये लगभग मोटा मोटा खर्चा कितना आएगा, जैसे मान लीजिए अगर जुगाड़ है किसी के पास पुराना वराना है तब ये कितने में कंप्लीट हो जाएगी? अगर पुराना जुगाड़ है तो वो तो 25,000 रुपये में कंप्लीट, हाँ मतलब जैसे चक्का का भी खरीदने पड़ेंगे, ये 1,000 के हैं, 1,000 ये, 1,000 ये, ऐसे ये तो किसी के यहाँ मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। और जैसे ये फ्री का है, मेरे पास रखा था, अब तो किसी को खरीदना, पुराना लोहा भी क्या रेट होगा? पुराना वही 40 रुपये, नया वाला, नया वाला वही होगा 60 या 65, नया 60-65, पुराना 40, तो अगर पुराना मिल जाए तो बेटर है, सरल है, तो बस जाएगा। तो इसमें कम से कम कितना लगभग मोटा मोटा 1 क्विंटल के लगभग तो हो जाएगा, आराम तो 4-5 हज़ार रुपये का यूज हो गया, ये लेने पड़ेंगे 5 बाइक चाहिए ऐसे, तो 3,000 रुपये का मटेरियल में जो लेके आया था तो 7-8 हज़ार जी हो गया, फिर बोल्ट वोल्ट हैं 2-3 किलो बोल्टिंग लग जाएगी ऐसे, तो ये करीब आ जाएगा 17-18 के लगभग भी, अगर पुराना मटेरियल है तो चल जाएगा। अच्छा, और जैसे मान ली किसी को बनवाना है तो बनवाई का क्या? बनवाई का भाई इसमें बनाने में 6 दिन लग जाते हैं, हाँ 6 दिन, दो लोग बराबर काम करते हैं, तो अब दो लोगों की अगर मजदूरी जोड़ी जाए तो कम से कम वही 6-7 हज़ार रुपए होती है, 7-8 हज़ार रुपए चाहिए, 7-8 हज़ार रुपए। तो ये 7-8 हज़ार रुपए लगभग बाबा का खर्च है, बाकी आपका मटेरियल है, और बाबा दोनों तरीके से, मतलब जैसे मान ली किसी को बनवाना है, जैसे पूरा कम्प्लीट की तुम ही खरीदो, अच्छा सारा सामान तुम्ही को खरीदना है, बना के कंप्लीट दो, तो फिर उसका क्या, बिल्कुल जैसे नया वाला हो या पुराना वाला हो तो उसके रेट कैसे हो, जैसे बनवाई के रेट कोई किलो के हिसाब से मार्केट में चलता है? अगर किलो के हिसाब से बनवाएंगे तो 20 रुपए किलो, अच्छा 20 रुपए किलो के हिसाब से, मतलब पूरा नया मटेरियल होगा और जो बनवाई है 20 रुपए किलो, बाकी जो रेट ये मटेरियल आएगा उसका अपना। चलो ठीक है, ये भी सही है। नंबर बता दो बाबा, यार बहुत लोग नंबर मांग रहे हैं आपका। मेरा नंबर है 9519 9519 29 29 31 72 31 72। चलो ठीक है, बाबा की दुकान जो है ये राठौरी रोड पर ग्राम चौराहे में है, बिल्कुल मेन रोड पर है, और ये नंबर है एक बार बाबा फिर से बता दो, 9519 9519 29 29 31 72 31 72 9519 29 29 31 72। आप इसको बार बार देखते और लिख लीजिएगा और बाबा से बात कर लीजिएगा, तो अगर किसी को बनवाना है तो इस तरह से संपर्क किया जा सकता है, या जो भी आप उचित समझे। बहरहाल जो जानकारी थी मेरे पास थी, आप लोग नंबर मांग रहे थे तो बाबा का कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूंगा कि लिख दूंगा नंबर को, तो आप वहां से भी नंबर निकाल सकते हैं। और ये टोटल देसी जुगाड़ है और बेहतर काम इतना बढ़िया है कि मुझे लगा जैसे कम से कम 10 लोग लगते थे, जब 10 आदमी एक एकड़ में मल्चिंग चढ़ा पाता है उसके बाद भी मल्चिंग अच्छे से नहीं दबती है तो उड़ती है, पर ये चाहे जैसी है भी हो, आंधी चले तूफान चले, इसको उड़ना पड़ना नहीं है, अच्छे से दब भी गई और आसानी से निकल भी आएगी। तो हार्ड मिट्टी अगर आपके पास पड़ुआ मिट्टी है तो ये बहुत सस्ता काम है, तो मान लीजिए कि एक बार जितना चढ़ाने में खर्चा आएगा उतने में मशीन लगभग बन जाएगी आपकी, और ये मशीन पर 20-30 साल चलेगी। लोहा आपका पैसा कंप्लीट है, कबाड़े में 20-30 रुपये किलो बाद में जब भी चाहेंगे बेच देंगे, तो ये मुझे फायदे का सौदा लगा। आपको कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और इसको यहीं पर रुकता हूँ, नमस्कार।